हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आपसे आज एक हेल्प लेने आई हूँ, तो प्लीज़ आप, मेरी रिक्वेस्ट भी है आपसे, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को आप मानिएगा एंड आपकी बहुत 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 मेहरबानी होगी मुझ पर। आपने देखा होगा रिचा राजीव ब्लॉग के चैनल को, आप जानते होंगे। तो जो रिचा राजीव ब्लॉग हैं, उनके हस्बैंड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मीन्स उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में है इस वक्त, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ जो भी हैं रिचा राजीव लोग के चैनल को सब्सक्राइब करें एंड उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, उनके चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। मीन्स उनकी फैमिली भी उनको इतना सपोर्ट नहीं करती है, और जो एक हस्बैंड होते हैं, जो मियाँ बीबी का आपको पता है रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग होता है, तो वही अब इतने बीमार हैं, तो वो काफ़ी मतलब परेशान हैं इस चीज़ के लिए कि जो उनके हस्बैंड है वो बीमार हैं। तो हम चाहते हैं उनको, हम जो खुशी दे सकते हैं हमसे जो होता है, तो हम उतना कर सकते हैं कि हम उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनकी वीडियो देख सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं। तो जिन मतलब जिनसे उनको खुशी मिले, और हम भगवान से प्रे करते हैं कि उनके हस्बैंड जल्दी से ठीक हो जाएं। तो गाइज, मैं भी आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो भी हैं रिचा राजीव लोग के हस्बैंड के लिए प्लीज़ प्रे करें एंड उनके चैनल पर जाके एक बार विजिट कीजिए और उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करें। और उनको हमारी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब अपना आदमी इतना बीमार हो, इसी हालत में हो, तो कितना बुरा लगता है, आप लोग जानते ही होंगे। क्योंकि अगर हमारे हस्बैंड हल्के से बुखार हो जाए, बीमार हो जाए, तो हमें इतनी टेंशन हो जाती है। तो उनके तो पूरी सीरियस कंडीशन में है, वो आईसीयू में एडमिट है, तो उनके लंग्स में जो है पानी मतलब भर गया है, तो मतलब बहुत तबीयत ख़राब है, आप लोग समझ रहे हो। तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बट इतना ही कह रही हूँ कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। रिचा राजीव लोग हैं उनके चैनल का नाम, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उनके चैनल पर जाके विजिट कीजिएगा प्लीज़। अगर आप, आपके अंदर इंसानियत है, तो प्लीज़ अपनी इंसानियत दिखाइएगा। अगर आप सोच रहे हो कि इससे क्या होगा, उनके हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, आप ये सोच भी रहे हो, कहीं हो कि सौ दिमाग तो सौ जवाब तो सौ सवाल होते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कुछ नहीं होगा यार, हो सकता है कि उनको सपोर्ट मिले आपकी, है ना। और आप समझ रहे हो कि आपकी सपोर्ट चाहिए उनको, और अगर आप प्रे करोगे, तो कहते हैं ना, जब जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ भी काम आती है। जो लोग इस चीज़ को मानते हैं, तो इस चीज़ को एग्री करते होंगे कि दुआ भी काम आती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक बार आप उनके चैनल को जाके विजिट कीजिए और देखिए रिचा जी को देखिए, उनके बच्चे हैं, दो लड़कियाँ हैं उनके पास, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उनको हेल्प कीजिए उनकी। उनको हेल्प तो यार ये होता है कि अगर हम किसी को वैसे हेल्प नहीं कर सकते, अगर हम, चलो वो मांगती भी नहीं है हेल्प किसी से कि मुझे हेल्प करो, बट हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं, हम उनको जानते हैं। तो सो प्लीज़ गाइज, आप जाके उनको सपोर्ट कीजिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उनको एक बार देखिए। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, है ना, मैं तो एक चाह रही हूँ कि उनको खुशी मिले किसी ना किसी तरीके से। अगर उसके हस्बैंड बीमार हैं, तो प्रे जरूर करें उनके हस्बैंड के लिए, उनकी लंबी उम्र की कामना करें, वो स्वस्थ जल्दी से हो जाए और अपनी फैमिली के बीच में जल्दी से आएँ स्वस्थ होकर। उनकी दो बेटियाँ हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, तो उन परिवार का बना रहे उनका। और बस मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग उनके चैनल को सपोर्ट करना, ठीक है गाइज। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए एंड रिचा राजीव ब्लॉग को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।